हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागरण जोश। मैं अर्चना शांडल्या आपका स्वागत करती हूं जागरण जोश के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने एमटीएस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी है और कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को इन पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जैसे कि एज लिमिट और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं एसएससी एमटीएस 2019 एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया को डिटेल में। एसएससी इस साल मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी कि एमटीएस पोस्ट की रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। इन पोस्ट से जुड़े कुछ ज़रूरी पॉइंट्स इस प्रकार हैं। यह पोस्ट पे बैंड 1,5,200 टू 20,200 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन पोस्ट का ग्रेड पे 1,800 है। सेवन्थ पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के अनुसार यह लेवल 1 में फॉल करते हैं। यह पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एसएससी एमटीएस 2019 की इम्पॉर्टेंट डेट्स को। एसएससी एमटीएस 2019 एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत 22 अप्रैल को हुई थी और यह ख़त्म होगी 29 मई 2019 को। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी 29 मई 2019। ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी 31 मई 2019। ऑफलाइन चलान जनरेट करने की लास्ट डेट होगी 31 मई 2019। पेमेंट थ्रू चलान की लास्ट डेट होगी 1 जून 2019। एसएससी एमटीएस टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 2 अगस्त 2019 से लेके 6 सितंबर 2019 तक। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे 17 नवंबर 2019 को। तो आइए अब जानते हैं इस साल एसएससी एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की एज लिमिट क्या है। इस साल एसएससी एमटीएस वैकेंसीज 2 एज ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला एज ग्रुप है 18 टू 25 ईयर्स और दूसरा एज ग्रुप है 18 टू 27 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2019। ध्यान रखें जो कैंडिडेट्स दोनों एज ग्रुप में एलिजिबल होंगे वह सबसे पहले 18 टू 25 एज ग्रुप की वैकेंसीज के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन एसएससी एमटीएस पोस्ट के लिए इस प्रकार है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2019। तो आइए अब जानते हैं कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2019 है 10th पास और मेट्रिकुलेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि उन्हें अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वह अपनी सही एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करें इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त बिफोर 29 मई 2019। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। फॉर मोर सच वीडियोज ऑन एसएससी एमटीएस 2019 एग्जाम सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागरण जोश और विजिट www.jagranjosh.com।